Hello and welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. So, इस session में हम बात करेंगे जो हिमाचल GK के MCQs हैं. Topic रहेगा हमारा Polity and Governance. So, Polity and Governance through MCQs. So, आइए start करते हैं. मेरा नाम है शाहिद अली. So, the very first question we have, हिमाचल प्रदेश became a union territory on which date? सो आपके पास चार ऑप्शन है. अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको क्लिक कर जाएगा और यहाँ पे चार डेट दिए हैं. कन्फ्यूज़न हो सकती है तो आपको क्या करना है, चीज़ों को मैंने आपको बताया था कि चीज़ों को जब डेट आती है उसको पैगिंग कीजिए, उस टाइम कंटेम्प्रेरी क्या हो रहा है इंडिया में उसका रिलेट कीजिए ताकि आपके लिए वो ईजी हो जाए. अब 48 में क्या हुआ था, 48 में जब हिमाचल चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था, 56 यस दिस इज़ द टाइम जब इसको यूटी बनाया गया. और फिर 71 में क्या हुआ था, 71 में इट बिकेम अ फुल फ्लेज स्टेट. सो हमारा जो आंसर है यहाँ पे यही है. सो यहाँ पे आपकी नॉलेज एनरिच करने के लिए वी हैव कि 48 में इट वाज अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस और उसमें चार डिस्ट्रिक्ट थे, चंबा, महासू, मंडी एंड सिरमौर. इनको ध्यान रख लीजिएगा. इनको कैसे आप ध्यान रख सकते हैं, आप निमोनिक बना सकते हैं कि इनसे मिला के कोई आप नाम बना सकते हैं, नंबर वन. दूसरा कोई राइमिंग कर सकते हैं. और आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो हिमाचल का मैप है आप उसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो एक इमेज क्रिएट होगी और जो इमेज होगी वो हमेशा हमारे जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें चली जाती है. तो कोशिश कीजिए ऐसे आप इसको ध्यान में रख पाएंगे. फिर 1951 पार्ट सी जो स्टेट थी उसका हिस्सा बना दिया गया, फिर ये पार्ट सी स्टेट बन गई. 56 में इट बिकेम ए यूनियन टेरिटरी और कब बनी, 1 नवंबर 1956. 1971 इट वाज ग्रांटेड अ फुल फ्लेज स्टेटहुड. सो इस तरह से आपकी नॉलेज जो है जब आप एमसीक्यू करते हैं तो वो एनरिच होती है. यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको चार चीज़ों के बारे में एडिशनल पता लगता है और दूसरा आपकी जो नॉलेज है वो चेक हो जाती है. क्योंकि अल्टीमेट आई टोल्ड यू हमारा मोटिव क्या है कि एग्ज़ाम में हमारी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होनी चाहिए तभी हम रिज़ल्ट ला पाएंगे. और रिज़ल्ट और परफॉर्मेंस के लिए क्या होगा, प्रैक्टिस. अपने आप को टेस्ट कीजिए कि जो आपने पढ़ा है वो आप कितना रिकॉल कर पाते हैं, रिटेन कर पाते हैं या रिलेट कर पाते हैं. क्योंकि यहाँ पे आपको क्या सीखना है, रिलेट करना, कैसे आप आंसर तक पहुंचेंगे. या तो आपको एग्जैक्ट आता है अदरवाइज यूज द एलिमिनेशन मेथड. रिलेट कीजिए ऑप्शंस को एंड यू विल कम टू नो द कंक्लूजन ऑफ आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास. व्हेन हिमाचल वाज रिकॉग्नाइज्ड एज चीफ कमिश्नर प्रोविंस इट हैज 4 डिस्ट्रिक्ट्स नेमली. अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया तो वहाँ पे अब आपको पता होगा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थे. सो इसका जो आंसर है दैट इज चंबा, महासू, मंडी एंड सिरमौर. सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो अब ध्यान क्या रखना है इसमें, आप अगर इसमें एक चीज़ देखिए, अगर आपको वैसे भी नहीं पता, शिमला दिया है ए में जो कि स्टार्टिंग में नहीं था, इट वॉज कार्व्ड आउट ऑफ महासू. सो शिमला वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा अगर आपको कुछ भी नहीं पता, क्योंकि सोलन भी उसी में से बना था. फिर शिमला यहाँ पे भी है, शिमला यहाँ पे भी है कि अगर आपको नहीं भी पता और आपको इतना आइडिया है कि शिमला वॉज नॉट इनिशियली डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश तो भी आप इसको कर पाएंगे अटैम्प्ट. ये तरीके होते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के. सो आंसर इज बी, चंबा, महासू, मंडी एंड सिरमौर. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. इन विच ईयर बिलासपुर वॉज मर्ज्ड इन हिमाचल प्रदेश. अब फैक्चुअल क्वेश्चन है, जब आप इसको पढ़ देंगे हम क्लास में डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को कि जो पॉलिटिकल इसकी हिस्ट्री है और रीऑर्गेनाइजेशन है स्टेट का वो कैसा रहा है, कब ये स्टेट स्टेटहुड मिली, फिर उसके बाद और डिस्ट्रिक्ट इसमें जो हैं नए बनाए गए, और उससे पहले जब चार डिस्ट्रिक्ट थे तो फिर पांचवा डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, बिलासपुर कब ऐड किया गया, फिर इसको सी स्टेटस दिया गया, यूटी बनाया गया और फाइनली ये एक स्टेट बना.
सो बिलासपुर जब मर्ज किया गया इट वॉज द फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट और दैट वॉज द ईयर 1954. सो आंसर इज बी 1954. सो ऐसे हम इसको कर पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आगे बढ़े, द पार्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ पंजाब वर ट्रांसफर टू हिमाचल प्रदेश और HP इन 1966 ड्यूरिंग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन. अब ये कब का जो है पीरियड है कि जब स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया तो उसमें से क्या बनाया गया था, उसमें से हिमाचल एक अलग निकाल दिया गया था, पंजाब बनाया गया था और आपको पता होगा वही टाइम है जब हरियाणा बना और चंडीगढ़ जो है वो एक अलग UT बना दिया गया था. सो उस टाइम कुछ एरिया जो पंजाब के हैं वो कहाँ पे कर दिए गए, वो हिमाचल को दे दिए गए. तो अब आइडिया लगाएंगे अब यहाँ पे, अब कन्फ्यूज़न कहाँ है, ये वो चीज़ें जो अगर आपने पढ़ी है तो इसको आप रिकॉल कर पाएंगे, क्योंकि अगर ऑप्शन पे जाएं तो कन्फ्यूज़न होगी कि रूपनगर और नवांशहर हमें लगता है बॉर्डर्स पे हैं ये, तो हो सकता है यहाँ से एरिया कुछ निकाले हों. फिर अगर होशियारपुर जलंधर की बात करें तो हमें ये भी लग सकता है कि जलंधरपुर, बट देखिए बॉर्डर पे कौन सा आता है. अब अगर ऑप्शंस में जाएं तो यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है वो होशियारपुर दो में है, तो यानी कि मोस्ट प्रोबेबली होशियारपुर तो एक ऑप्शन रहेगी. फिर रह गया गुरदासपुर या जलंधर, इन दोनों में से कौन सा हो सकता है. गुरदासपुर उसकी बॉर्डर पर आ जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो बेस्ट आंसर हमें लगता है यहाँ पे अगर मुझे नहीं भी आता तो क्या होना चाहिए ये, बट इसका आंसर भी यही है कि जब 1966 में स्टेट रीऑर्गेनाइज किया गया इसको, तो उस टाइम जो पंजाब था उसके तीन एरियाज अंबाला से निकाल के, होशियारपुर और गुरदासपुर से निकाल के वे हिमाचल के साथ मर्ज कर दिए गए थे. तो इसका आंसर क्या बन जाता है, दिस सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. शिमला वॉज कार्व्ड आउट ऑफ डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दे रहे कि जो क्वेश्चंस हैं वो सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, आइसोलेशन में बहुत कम क्वेश्चन होंगे. हिस्ट्री में खासकर ऐसा होता है, चाहे वो पॉलिटिकल चीज़ है उसमें भी ऐसा आपको मिलेगा, ज्योग्राफी में भी, कि सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं. अब यहाँ पे जब हमने स्टार्टिंग में बात की कि जब हिमाचल को चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया तो चार डिस्ट्रिक्ट थे, उसके बाद फिर उसमें पांचवा डिस्ट्रिक्ट ऐड किया गया और जब रीऑर्गेनाइजेशन के बाद 1966 के बाद उसमें से फिर डिस्ट्रिक्ट इंक्रीज होना शुरू हुए, कुछ सराउंडिंग एरिया से मिलके बने और कुछ वहाँ से कार्व आउट किए गए थे. अब जब हमने शुरू में क्वेश्चन देखा था जहाँ मैंने बात की कि शिमला स्टार्टिंग में नहीं था तो बाद में निकला था, आई टोल्ड यू कि महासू में से शिमला निकला था. सो शिमला कहाँ से निकला होगा, महासू से निकला था, ना ये चंबा. अगर आंसर पे भी जाएं कि शिमला और चंबा में डिस्टेंस देखिए, डिफरेंस देखिए कि शिमला एक तरफ है और चंबा एक कॉर्नर पे है नॉर्थ. अगर वेस्ट में जाएं तो वहाँ पे आपको चंबा नजर आता, तो ये नहीं हो सकता. उसी तरह से सिरमौर भी नहीं होगा, रह जाता है मंडी और महासू. अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप इन दोनों पे जीरो हो सकते हैं एलिमिनेशन मेथड में. अगर आपको पता है देन यू विल से कि महासू इज द राइट आंसर. सो द राइट आंसर इज महासू. और इसमें से दो डिस्ट्रिक्ट निकाले गए, वन वॉज शिमला एंड सेकेंड वॉज सोलन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं. यस, हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश. ऐसे क्वेश्चन तो जनरली आते ही हैं, फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट जिस चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट चीफ जस्टिस, ऐसी चीज़ें जनरल नॉलेज में होती हैं. जो UPSC के लिए तैयारी करते हैं वो जनरली ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, बट स्टेट में ऐसी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं. तो इसका आंसर पता है, बट सभी को पता होगा कि YS और MR इज द आंसर. तो बाकी कौन थे वो यहाँ से हम अपनी नॉलेज को एनरिच कर लेंगे. अब वो कौन कौन है, सो वी कैन सी राम कौन थे. ही वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश जो इलेक्ट हुए थे. सो ये याद रख लीजिए. सो एक नया आपको यहाँ से पॉइंट मिल गया, एनरिच हो जाएगी आपकी नॉलेज. परमार मैंने आपको बता दिया, YS परमार जो थे, डॉक्टर YS परमार, ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कब बने, 24 मार्च
1950 24th March 1952। ठाकुर करम सिंह और हरिदास जो मिनिस्ट्री बनी थी तीन की, चीफ मिनिस्टर वाईएस परमार और जो मिनिस्टर्स थे करम सिंह एंड हरिदास, ये मिनिस्टर्स थे। उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे आप याद कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं कि जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर था हिमाचल प्रदेश का, ही वॉज मेजर जनरल हिम्मत सिंह। सो हिम्मत सिंह वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश कब, इन 1952। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन हिमाचल प्रदेश, कितने मेंबर्स यानी कि कितने MLAs होते हैं। अब जिसका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होगा, हो सकता है उसको ये पता हो, बट पॉलिटी में जनरली हम चीज़ें पढ़ते हैं कि लोकसभा की सीट्स कितनी है, राज्य के सभा की सीट्स कितनी है, उसी तरह हम स्टेट में भी पढ़ते हैं कि विधानसभा की सीट्स कितनी है। तो यहाँ की जो विधानसभा की सीट्स हैं दे आर 68, क्योंकि जो नंबर है वो बड़ा क्लोज है तो आप आइडिया नहीं लगा पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हिमाचल स्टेट अगर बात करें, कंपैरिजन करें साइज़ में, इट इज़ इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली कि जो पंजाब और हरियाणा उनके बराबर है इसका साइज़ है, थोड़ी बड़ी होगी छोटी नहीं है, बट वहाँ पे 100+ हैं जो MLAs हैं, पर यहाँ पे उतने नहीं होंगे। रीज़न बिंग वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसके मुकाबले बहुत कम है, कि जैसे पंजाब की पॉपुलेशन में अगर बात करूँ 2.5 करोड़ से ऊपर है और यहाँ की पॉपुलेशन 1 करोड़ से भी कम है, 65 लाख के अराउंड है। तो उस हिसाब से यहाँ पे MLA कम होने चाहिए, बट यहाँ पे आपको एग्जैक्ट नहीं पता लग पाएगा ये कब है, जब आपने इसको एक बार भी देखा होगा पढ़ा होगा तो आप इसको आंसर कर पाएंगे। और यहाँ पे जब आप ये देख रहे हैं सो यू मस्ट नो कि लोकसभा राज्यसभा की सीट्स कितनी हैं, कि विधानसभा की 68 हैं, लोकसभा की हैं 4, और वो कौन कौन सी हैं, हमीरपुर कांगड़ा शिमला एंड मंडी, ये आपकी नॉलेज को एनरिच करने के लिए। इसी तरह से राज्यसभा की जो सीट्स हैं दे आर 3, तो 3 सीट्स राज्यसभा की हैं, 4 लोकसभा की हैं और विधानसभा की 68 सीट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आप जाएंगे क्वाजी जुडिशियल बॉडी, दूसरा ही सेइंग नॉट, इन दो चीज़ों पे आप फोकस करेंगे कौन सी नहीं है। पहले आप देखिए कौन कौन सी हैं, तो जो रह जाएगी वो नहीं होगी। और क्वाजी जुडिशियल कौन सी होती है, एक जुडिशियल बॉडीज होती हैं जैसे जुडिशरी, जो हमारे कोर्ट होते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ, चाहे वो हमारे सेशन कोर्ट है, GMIC का कोर्ट है, या हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये कौन सी हैं, ये कोर्ट हैं, प्रॉपर जुडिशियल बॉडीज हैं। और क्वाजी जुडिशियल जो पार्टली क्वाजी यानी कि सेमी जुडिशियल होती हैं, जो पूरी तरह से जुडिशियल नहीं, तो उसका मतलब क्या है, यानी कि उनके पास जुडिशियल पावर्स होती हैं काम करने की। सो यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश का स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन, अगर इन तीनों चीज़ों को आपने पढ़ा है तो इसका आंसर कर पाएंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ पता होनी चाहिए, क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़ क्या होती हैं और इनके फंक्शन क्या हैं। तो अगर देखें कि तीनों बॉडीज़ वो हैं जिनके पास पावर है ऑफ अ सिविल कोर्ट, और ये कुछ चीज़ों पे डिसीजन लेते हैं, कुछ केसेस को डिसाइड करते हैं। तो उस हिसाब से जैसे इंफॉर्मेशन कमीशन, यहाँ पे लोग अपील फाइल करते हैं, अगर उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो जो यहाँ पे कमिश्नर होगा, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और दूसरे कमिश्नर्स, तो वो क्या करते हैं, उनका केस डिसाइड करते हैं। और उनके पास पावर क्या है कि एफिडेविट ले सकते हैं, वो किसी को विटनेस ऐसे समन कर सकते हैं, यानी कि समन करने की पावर है वो, जो कि कोर्ट के पास होती है। तो जो सिविल कोर्ट की पावर है वो इनको दी जाती है, वो इंफॉर्मेशन कमीशन के पास भी है, वो इलेक्शन कमीशन के पास भी है। उसी तरह से जो ह्यूमन राइट्स की कंप्लेंट्स जाती हैं ह्यूमन राइट कमीशन में, तो उसको भी ये पावर मिली हुई, यानी कि तीनों जो बॉडीज हैं यहाँ पे दे ऑल आर क्वाजी जुडिशियल बॉडीज। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब ये वही क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज चेक होती है। अब इट इज क्लियरली सेइंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी,
विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती है, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में रेफरेंस दिया होता है, जैसे इलेक्शन कमीशन। कॉन्स्टिट्यूशन में रेफरेंस है, आर्टिकल 324 टॉक्स अबाउट इलेक्शन कमीशन। अब सुप्रीम कोर्ट, देन देयर इज अ यूपीएससी। तो ये जो बॉडीज हैं इनके बारे में मेंशन है कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो जिनके बारे में मेंशन होगा वो बन जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जिनके बारे में मेंशन नहीं होगा वो होगी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। बट अब वहाँ पे भी आता है कि अगर वो पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा बनाई गई हैं या स्टेट लेजिस्लेचर ने एक लॉ बना के उसको बनाया, तो वो क्या किया गया, एक स्टैट्यूट बनाया गया, तो उनको क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी। सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी या स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। उसके अलावा कई ऐसी होती हैं जो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बना दी जाती हैं। एनी हाउ, अब यहाँ पे कह रहे हैं विच द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो अगर यहाँ पे देखें, तो अगर आप ध्यान से देखिए कि कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, ह्यूमन राइट कमीशन है। अब ये जो तीनों कमीशन हैं, अब मान लीजिए आपको नहीं पता है कि इनमें से कौन सा है, बट सुप्रीम कोर्ट जब हम पढ़ते हैं, इलेक्शन कमीशन पढ़ते हैं, ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रही हैं, तो अब अगर मोटा मोटा भी पढ़ेंगे तो आपको पता होता है कि इलेक्शन कमीशन का मेंशन है उसमें। तो सिर्फ आपको ये पता होगा कि ये तो है, अब कन्फ्यूज़न यहीं से ख़त्म हो जाता है, ये है तो बाकी नहीं होंगे। दूसरा, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो आप ये देखेंगे कि इन चीज़ों के बारे में उसमें बात नहीं होगी, वहाँ पे कंज्यूमर डिस्प्यूट की बात नहीं होती है, वहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन के किसी कमीशन की बात नहीं हो रही होती है। तो इसका आंसर जो होगा, दैट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्रेशर ग्रुप्स। अब प्रेशर ग्रुप्स के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। अब प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, जब आपने पढ़ा होगा कि जो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाते हैं अपनी चीज़ों को, एक ग्रुप के वेलफेयर के लिए अपनी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, अब अलग अलग तरह से वो लॉबी करते हैं ताकि गवर्नमेंट पे प्रेशर बन सके। अब वो चाहे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई फार्मर ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जैसे हिमाचल में है जो एप्पल ग्रोवर्स हैं उनकी एसोसिएशन है, दे आर एक्टिंग एज अ प्रेशर ग्रुप्स, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे देखें, दे हैव द राइट टू होल्ड मीटिंग्स, ये तो सभी के पास है, सो दिस इज, एंड दे हैव द राइट टू प्रोटेस्ट, ये राइट भी सभी को दिया गया है, सो दोनों तो है ही हैं। अब नन ऑफ द अबव, और इसमें कौन सा हो सकता है, दे डू नॉट हैव राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। देखिए ये राइट सभी को दिया जाता है, तो इसलिए क्या है, नॉट करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो जो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सी इज द करेक्ट आंसर। सो दे हैव राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच ईयर स्टैट्यूटरी स्टेटस वॉज ग्रांटेड टू पंचायत इन हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, आप गलत करेंगे मेजॉरिटी कैसे, अगर आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो। जैसे फिर से स्टैट्यूटरी स्टेटस, और हमारे दिमाग में क्लिक क्या करेगा, अमेंडमेंट कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, कि वो 73rd 74th अमेंडमेंट हुई थी और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है पंचायत म्यूनसिपैलिटीज को मिला था, लोकल बॉडीज को। तो हम क्या करेंगे फटाफट की, वो 1992 था यार, यस दिस इज द राइट आंसर, और कहेंगे कि ये आंसर तो ऐसा है कि बस, बड़ा आसान क्वेश्चन था, देखते ही पता लग गया। पर ये क्या, हमने ध्यान से नहीं पढ़ा, और हम MCQs में भी गलत कराए, जो मार्क कराए वो मार्क शीट में वो गलत मार्क कराए। अब यहाँ पे अगर देखें कि जो पंचायत हिमाचल में, ये कह रहा है स्टैट्यूटरी यानी कि लीगल स्टेटस, जो 1992 में दिया गया वो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, जो आज है इनके पास वो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। लीगल स्टेटस या स्टैट्यूटरी स्टेटस कौन देता है, असेंबली या पार्लियामेंट। तो यहाँ की जो स्टेट लेजिस्लेचर थी उसने एक लॉ पास किया था, सो दिस वॉज द लॉ, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1952, तो जिसको इम्प्लीमेंट किया गया 54 में, सो राइट आंसर इज 54, नॉट द 1992, सो 54 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे और बढ़ते हैं।
सो इट सेज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत वॉज ग्रांटेड बाई विच अमेंडमेंट. अभी हमने डिस्कस किया है कि दो अमेंडमेंट की गई थी, एक पंचायत के लिए और एक म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए, 73rd and 74th. 73rd वॉज फॉर द पंचायत. सो 73rd अमेंडमेंट इज द राइट आंसर. और कब? वो 1992 में, जो अभी हमने बात की. द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर एससीज एंड एसटीज इन पंचायत कितने परसेंट होती हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन? दिस इज इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन होती हैं. नीदर 33% ना ही 50%, क्योंकि 33% किसके लिए होती है? वीमेन के लिए होती हैं. 50% की बात की जा रही है, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास नहीं हो पाई है. सो सी इज द राइट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ लार्जर अर्बन एरिया. यस, ये तो ठीक है. All seats shall be filled by direct election. Yes, ये भी ठीक है. In a municipality, 50% seats shall be reserved for women. अब यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि 33% होती हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है, तो आंसर ये हो गया. पर एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली कि अगर वो बोलते इट्स नॉट करेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश, वो यहाँ पे यहाँ जनरलाइज लिखा हुआ है, अगर वो हिमाचल प्रदेश डाल दें फिर गलत हो जाता, फिर नन ऑफ द अबव आता. क्यों? क्योंकि 110 एंड 112th अमेंडमेंट बिल जो इंट्रोड्यूस किए गए थे 2009 में, बट वो पास नहीं हो पाए, लैप्स हो गए हैं. वो क्या प्रोविज़न देते थे? 50% रिजर्वेशन फॉर वीमेन, 33% से इंक्रीज करके 50%. और अभी लास्ट ईयर राज्यसभा में एक क्वेश्चन रेज किया गया, तो उस क्वेश्चन के रिप्लाई में मिनिस्टर सेड कि देर आर 20 states जिसमें से हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है, जिन्होंने 50% रिजर्वेशन जो है वीमेन को वो दे दी है इन द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज. अब वो कैसे दे सकते हैं? अब आपको पता होगा, बिकॉज इट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट ही लॉ बनाएगी, स्टेट ही सब कुछ करेगी, और इसने कर दिया है. सो अगर हिमाचल होता फिर 50% रिजर्वेशन जो है वहाँ मिलती, फिर इसका आंसर चेंज हो जाता, क्योंकि HP ने क्या कर दिया, 33 to 50% रिजर्वेशन कर दी है. सो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में और क्वेश्चन के साथ. आप हमारी अभी PDF साइट पे जाके और क्वेश्चंस देख सकते हैं, हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.